2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसके लिए हमने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फुजी नाम का थीम चुना है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए मुझे प्रधानमंत्री किशिदा का फिर से भारत में स्वागत करने का अवसर मिलेगा। हमारी बातचीत और संपर्कों का यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहे और भारत जापान संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।